Welcome to Time News Studios. You are watching 2 p.m. Bulletin. नैब ऑफिसर्स में अहलियत नहीं सलाहियत ना है, नैब में जांच जो मयार परखण लाए को भी निजाम ना है। सुप्रीम कोर्ट करप्शन के केसेस से फैसले में देर जो जिम्मेवार नैब के करार रे छो। लाखड़ा पावर प्लांट की दावत में मुबैना घोबिन वाले केस से बुधने दौरान सुप्रीम कोर्ट चयो त रेफरेंस दाखिल थियण का पोए नैब पेंजू गलतियों सुधारण की कोशिश में लगी वेंदो आहे। नैब की जांच ऑफिसरन के कानूनी पासन की खबर ना होंगी। जांच सालन जा साल हलंदी है, मानू सालन ताई नैब में फांसी पवंदा है। टीहन डीह में फैसलो थियण बदरा मानू टीहन सालन ताई फाथल हुंदा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स देंदे चयो त नैब के रेफरेंस में को भी मयार ना होंदो, रेफरेंस जा बुनियाद ही गलत हुंदा। कानून वारो सेक्रेटरी काबीना में मंजूरी वठे एक महीने में जजेस की मुकररी वारो अमल शुरू करे। सुप्रीम कोर्ट 120 नयू एहतसाब अदालतों कायम करने लाए वफाकी काबीना का मंजूरी वठण जो हुक्म दे छो। नयन एहतसाब अदालतों लाए बुनियादी ढांचो भी तैयार करण जो हुक्म। लाखड़ा पावर प्लांट के दावत में मुबैना घोबिन वाले केस से बुधनी दौरान नैब जा रूल्स 21 साल गुजरण बावजूद न थियण जो इंकशाफ। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल तरफा नैब जा रूल्स न हुजण जो एतराफ़ करे वरतो। अदालत नैब के एक महीने में जाब्ता ठाहे रिपोर्ट पेश करण जो हुक्म ॾींदे चयो आहे त नैब जे जाब्ता ऑर्डिनेंस के सेक्शन 34 तहत तैयार कया वञनि। नैब जूं SOPs रूल्स जो मुतबादिल नथियूं थी सघनि। नयूं अदालतूं क़ाइम करण लाइ माली ऐं कानूनी घुर्जूं पूरियूं करणियूं पवंदियूं। वफ़ाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते 120 नयूं एहतसाब अदालतूं क़ाइम करण खां लाचारी ज़ाहिर करे छॾी। कानून वारी वज़ारत सुप्रीम कोर्ट में जमा करायल अगभराई रिपोर्ट में एहतसाब अदालतुनि में इल्तवा जे शिकार केसिस जा तफ़सील बि शामिल करे छॾिया। रिपोर्ट में कानून वारी वज़ारत चयो आहे त अदालती हुकुम तहत 5 एहतसाब अदालतुनि में जजिस जूं ख़ाली जायूं भरण लाइ समरी उमानी वई आहे। 120 एहतसाब अदालतूं क़ाइम करण लाइ सालियानो 2.86 अरब रुपया बजट की जरूरत है। तंहिं हूंदे अदालतूं क़ाइम करण लाइ सलाह मशवरा शुरू करे छॾिया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट तरफा 8 जुलाई ते जारी थियल फैसले में 120 नयूं अदालतूं क़ाइम करण ऐं 5 एहतसाब अदालतुनि में जजिस मुक़ररु करण जो हुकुम ॾिनो वियो हो। जितने NRO वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिया है, पाकिस्तान की तारीख में किसी भी आमिर या किसी भी वज़ीर आज़म ने इतने NRO नहीं दिए हैं। जब कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है? ये कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। इन्होंने तो एहसानुल्लाह एहसान को तो NRO दे दिया है, उसको आजाद करवा दिया है। जिस दिन एहसानुल्लाह एहसान को कैद से रहा किया गया, मैंने क्वेश्चन इस हाउस में डाला था और आज तक उसका जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पोए नैब गैर आइनी इदारो थी वो। एहतसाब जो अड़ो इदारो आन घुर्जे जो अपोजिशन से गड हुकूमत जजिस जर्नल जो भी एहतसाब करे। पीपी चेयरमैन PTI सरकार के नैब खत्म करे एहतसाब जो नओ इदारो कायम करने लाए गाल की आज करे छी। बिलावल भुट्टो जरदारी है तो मुल्की तारीख में वज़ीर आज़म इमरान खान जेतरा NRO कें भी न डिना। दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान के NRO ॾेई आज़ाद कयो वियो। हाणे वरी भारतीय जासूस ऐं दहशतगर्द कुलभूषण यादव के NRO ॾियण जी कोशिशि कई पई वञे। कुलभूषण जे हवाले सां ऑर्डिनेंस ते सेनेट ऐं क़ौमी असेंबली खे बि एतमाद बि न वरितो वियो। क़ौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जे ख़िताबात अपोज़िशन मेंबर्स वॉकआउट करे पिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खंड इंक्वायरी कमीशन खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की मुंदी दौरान अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद है तो इंक्वायरी कमीशन की नई सिर जोड़जक जो नोटिफिकेशन घुरू वजारत बदरा काबीना डिवीजन के जारी करण घुर्जे। हा अदालत नोटिफिकेशन बेजाबती के बुनियाद से हुजन से माफ कर सके थी। यो को गैर कानूनी फैसलो न हो जो उनके कलदम करार दिनों वे। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत में 17 अगस्त ताईं बात करे छी। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके से वडे अंग में लीकी अगवान कारकुन अदालत पहुंचा। सिक्योरिटी जहा गैर मामूली इंतजाम।
शहबाज शरीफ केस के बदनीयती से बदल करारी से नैब हुकूमत के असर सूख में अची केस है नैब अड़े कें भी केस में पैं अख्तियार इस्तेमाल न करे सके जैमें सबूत ही न मिलिया हुजन। अदालत बहरा मीडिया से गालंदे अपोजिशन लीडर ख्वाजा भारन के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साबित थो नैब जो कार्रवाई इंतकाम से बदल है। ईद का एक हफ्तों अग दुकान बंद करे वफाकी हुकूमत की तजवीज़ रद्द। अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ईद तक हफ्ते लाए 24 कलाक दुकान खोलने को मुतालबो कर छोड़ो। तंजीम के सदर अजमल बलोच है हुकूमत के गलत हिकमत अमली कोरोना बढ़ने का कारण बनी वी ईद के ढी में रश के कंट्रोल कर 24 कलाक दुकान खोलने का सवाल बो को भी ऑप्शन ना है। मानू की रश बढ़ने का दुकान बंद करने वाली गाल भी मकसद है हुकूमत के व्यापार ने अवाम के ख्वार करने वाली हिकमत अमली का पासो कर घुर्जे। व्यापारी अखबारों है तो हुकूमत पानी रोजगार दुश्मन बनी वे तो मुल्क मीशत के किए तो संभाले सके डॉक्टर जफर वत भुख जो इलाज न हों। सुप्रीम कोर्ट के हुकुम की ओट में कराची में करप्शन माफिया सरगर्म कम जो जूस विक्रो करने का वादू टैक्सी गाड़ी जो इंकशाफ कराची में 40 साल का जूस विक्रो कदड़ मोहम्मद यूनिस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में दरख्वास्त दाखिल कराईदे मौके इख्तियार किया है तो 18,000 सालियानी लाइसेंस फीस भरे तो पर म्युनिसिपल कमिश्नर कराची फीस बढ़ाने लाए दबाव विझी रो है जो वादू फीस नो ले उनके कारोबार करण नो दिनों वे। सुप्रीम कोर्ट की कब्जा माफिया के खात्मे वाले हुकुम की ओट में तंग किया पे वे दरख्वास्त में सिंध हुकूमत कमिश्नर कराची आई जी सिंह इंडन के दुर्मणा पो। कराची के इलाके जटलाइन में हथियार बंद फायरिंग करे एएसआई गुलाम मोहम्मद के शहीद कर छो। पुलिस चवण है तो 51 वरें जो गुलाम मोहम्मद गुजर आल्टरी मैदान थाने से मुकर्र हो मथस मोटरसाइकिल सवार फायरिंग कई मकतूल के भाणे के वकास है तो हथियार बंद गुलाम मोहम्मद के ड्यूटी का वापसी घर के वेझो कत्ल किया आईसनस पिस्टल खी व्या। आई जी सिंह मुश्ताक महर एएसआई के कत्ल जो नोटिस वे एसएसपी ओभर का रिपोर्ट तलब कर वरती। कानून का मथा हूँ केर भी ना इस्लामाबाद रावल ढंड के किनारे से गैर कानूनी दावतन वाले केस में सीडीए के पाक नेवी की कमर्शियल इमारत सील करने जो हुकुम इस्लामाबाद हाईकोर्ट सीडीए चेयरमैन बोर्ड के मेंबर्स का हलफनामा तलब करे वरता। बुधने दौरान सीडीए के मेंबर एतराफ़ किया नेवी सेलिंग क्लब मंजूर थल ना है इमारत की कानूनी और गैर कानूनी होजन बाबत वो राय नो दई सके। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला सीडीए से मुखातिब थे तो वो गैर कानूनी इमारत के ड्राह पट कर खबर है तो गरीब मानून सा सीडीए वा कना अड़ो पिटो मयार छो है। अदालत एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मामलों वफाकी काबीना में उथारण की हिदायत कदे तो इस्लामाबाद को कबायली इलाको ना है पर वफाकी गादी वो शहर है छोड़ा सीडीए चेयरमैन बोर्ड के मेंबर्स खिलाफ कार्रवाई कई वे। बिजली जा गड़ा बिल ऐसी मानू जो रणियों निकली वन थी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त में देर से वापेदार ते वो बार पैजी सके तो नैप्रा चेयरमैन इंकशाफ किया है तो दिसंबर महीने में बिजली के वापेदार 13 अरब 80 करोड़ रुपये जो इजाफी बार विधो पो बुधा वे तो दिसंबर में बिजली के पैदावार लाए गैस बदरा फर्नेस आयल छो कबादो पो। बिजली की विर्च कंदर कंपनी तरफा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लाए दाखिल दरख्वास्त बुधनी दौरान नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के अख्तियार दिसंबर में गैस की खोट सबब फर्नेस आयल में बिजली पैदा कई वही। नैप्रा चेयरमैन चाहो है तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से 70 अरब रुपये जो बार बिजली के वापेदार मुंतकिल थी वो। अदलिया मुखालिफ तकरीर से तोहीन अदालत में केस आगा इफ्तखारुद्दीन डोह मन का इनकार कर छो। सुप्रीम कोर्ट ईदर बुधनी से एफआईए का अगभराई रिपोर्ट और शाहिदन के तलब कर वरतो। मौलवी इफ्तखारुद्दीन की बुधनी न करने वाली इस्तदारत जस्टिस एजाजुल अहसन मौलवी इफ्तखारुद्दीन से मुखातिब थे तो माफीनामो जमा करने बावजूद तुम डोह मन का इनकार करो था तो तुम्हारी मर्जी है। आगा इफ्तखारुद्दीन के वकील चाहो तो एक वीडियो के बुनियाद से ब केस ठाया वह जस्टिस एजाजुल अहसन रिमार्क्स दींदे एक वीडियो में 4 कानून पैमाल थींदा तो हर इदारो हरकत में इंदो। साइबर क्राइम एंड दहशतगर्दी के कानून जो तोहीन अदालत से वास्तो ना है सुप्रीम कोर्ट में रुगो तोहीन अदालत जो केस है।
एटमी हथियार रखंदड़ मुल्कन में पाकिस्तान महफूज मुल्क बणजी वयो। एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करे छड़ी। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान भारत के 6 पॉइंट्स पोए थी छॾे ॾिनो आहे। एटमी हथियारनि जे तहफ़ुज़ में भारत जे 53 पॉइंट्स मुक़ाबले में पाकिस्तान जो स्कोर 58 आहे। रिपोर्ट मूजिब समूरनि 22 मुल्कनि जो मुक़ाबिलो कजे त असासनि जे तहफ़ुज़ में पाकिस्तान जो 19वीं ऐं भारत जो 20वीं नंबर आहे। असासनि जे तहफ़ुज़ में 47वां पाकिस्तान जो 33वीं नंबर आहे। पाकिस्तान पारां एनटीआई न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स रिपोर्ट जी आजियां।